सीबीसी न्यूज राजस्थान। हाय एवरीवन, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो सीबीसी न्यूज राजस्थान। और आज हम आ गए हैं शिल्पग्राम के मेले में, जो कि शुरू हुआ है 21 दिसंबर से। तो हमने सोचा क्यों ना हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस को पूरा शिल्पग्राम घर बैठे घुमा लिया जाए। ऐसे घर बैठे घुमा देने में ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ आए नहीं, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ क्यों आना है। सबसे पहले आते ही ऑब्वियसली 55-60 रुपये का कुछ यहाँ पर टिकट है, और ये है वो प्रोग्राम जो आपको आते ही मिलता है, एक प्रॉपर राजस्थानी कल्चर और उसके टच के साथ जो चीज़ आपको देखने मिलती है वो है कच्ची घोड़ी का जो ये प्रोग्राम है। वो लोग थोड़ा सा कुछ मैनेज कर रहे हैं, इसके बाद जो फंक्शन होगा वो आपको दिखाएंगे हमारे ही चैनल पे। मुझे लगता है कि ऊँट की शक्ल जो है वो किसी से मैच करती है। किससे हो रही है? ठीक है मैम। गाइस, तो आज भी हम आए हैं खाली जेब खाली दिमाग सानिया, और सॉरी बोल देना यार। नहीं, आज भी हम आ गए शिल्पग्राम और खर्चे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज भी हम साथ लेके आए हैं एटीएम मालकिन। हाय। तो मालकिन, नमस्कार। जी हाँ, ये हमारे मालकिन है। मैम, आज फिर आप दिवाली मेले की तरह हमारे साथ आए हैं शिल्पग्राम में, हमारी एटीएम हमारी मालकिन बन के। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और तुम दोनों के साथ बहुत मज़ा आता है। हाँ। बहुत इन्जॉय होता है, और सभी को, सारे व्यूवर्स को सर्दी की शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस, जय जीसस। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और सच बताऊं तो इन दोनों के साथ में जाने में बहुत मजा आता है। अब इनको बताओ कि कैमरे पे जितना दिखता है उससे भी ज्यादा मजा आता है कि नहीं आता है? बहुत बहुत बहुत, कैमरे से कहीं ज्यादा इन दोनों के साथ मजा आता है। इस महीने तनखा तिवारी और सानिया प्रजापत, माशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू। तुम लोगों को लगता होगा कि मेरी सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स है मेरे पास और मैं सिर्फ बातें कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। गाने बजाने का भी पूरा मेरे को शौक है और मेरे को आता भी है। यू गाइस, कौन सा गाना सुनेगी जल्दी बता। मैम, कौन सा गाना सुनोगे? ये गाने भावना आया तो थी, चुप रहे। कौन सा गाना मैम? परदेसी जाना नहीं, टड़न टड़न मुझे छोड़ के मुझे छुट। चलो, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो वो बजाया था अभी, उसको बोलते क्या? पियानो। गाइस, कभी कभी मन करता है कि जो लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते उनको इसी में ही रख के ऐसे ऐसे घुमा दूँ।
आप लोग तो ऐसे नहीं हो, आप लोग तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू। तो गाइस यही था शिल्पग्राम का मेला और साथ ही साथ कुछ पब्लिक के ओपिनियंस और व्यूज भी आपको बताए। और शिल्पग्राम में ना बहुत सारी चीज़ें, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बहुत सारी जगहों से और अलग अलग ना आर्टिस्ट जिनको हम कहते हैं जिनके पास प्रॉपर एक कला है वो यहाँ आके दिखाने का उनको मौका मिलता है, लोगों तक वो चीज़ पहुँचती है, उनकी हैंडमेड चीज़ें हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। दिसंबर के एंड में हमेशा ये शिल्पग्राम महोत्सव लगता है और उदयपुर राइट्स को ना मेरे हिसाब से सर्दी आ गई है ये तभी पता चलता है जब या तो गाजर का हलवा मिलने लगे या शिल्पग्राम महोत्सव लग जाए। तो आप भी ज़रूर आइएगा और आपको शिल्पग्राम में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या पसंद है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। गाइस कभी कभी मन करता है कि जो लोग हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते उनको इसी में ही रख के ऐसे ऐसे घुमा दूँ। पर आप लोग तो ऐसे नहीं हो ना, आप लोग तो ऐसे नहीं हो, आप लोग तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू।